हाँ जी, तो बच्चों ये आपका अकाउंटिंग रेशियो का अंतिम लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और इसके बाद हम लोग बीएसटी पढ़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 106 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो सल्यूशन बच्चों ने कर लिया। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ग्रुप पे क्वेश्चन विद सल्यूशन डाल दिया गया, आप कर लेना। मैं चेक नहीं करने वाली हूँ, नहीं करोगे बोर्ड में तुम लोग भुगतोगे, क्योंकि मेरा काम है सिलेबस को ख़त्म करा के एक एक चीज़ को कवर अप करना। आइए देखें, सबसे पहली चीज़ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज दिमाग में बैठा लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें जो बोर्ड्स के लिए तुम्हें छोड़नी ही नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे घुमा सकता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू सेल्स, ये बता सकता है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये चार चीजें दिमाग में लेके चलना। चलो फटाक से क्वेश्चन समझते हैं। बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं और उन डिटेल्स के आधार पे यहाँ सॉल्व किया है। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाया लाइबिलिटीज अप्रोच है और ये वाया एसेट्स मेथड है या अप्रोच है। देखिए बच्चों, शेयर कैपिटल आपको दिया था 7,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 6,50,000, करंट लाइबिलिटी 7,50,000, नॉन करंट एसेट 15 लाख, इन्वेंट्री 5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 6 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया कि भैया ईबीटी दिया हुआ है मतलब अर्निंग बिफोर टैक्सेस है, और यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है, तो ईबीआईटी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ईबीआईटी में क्या करेंगे, इन्हीं बोरोइंग्स का इतना परसेंटेज निकाल देंगे, वही तो ब्याज होगा इंटरेस्ट होगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 80,000। बच्चों एक बहुत जो बड़ी गलती होती है जो बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, करंट लाइबिलिटी मेथड से जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं उनको लगता है करंट टर्म प्रोविजन नहीं आता है, सॉरी लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं आता है। ये बहुत गलत बात है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आता है कैपिटल में, इस बात को याद रखना। एसेट अप्रोच में कितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है यहां तक करेंगे बस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये लेते ही क्यों नहीं कंसिडर करते यार, ये प्रोविजन मतलब क्या, हमने उधारी ली है कैपिटल के लिए जो चुकाना है, तो इसको भी इंक्लूड करना मत भूलना इसे। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन और ईबीटी आपको दे रखी है 2.5 लाख। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला पे फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करते हैं ताकि एग्जामिनर के लिए आसान हो, बोर्ड्स में ऐसे लगाना पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन ने मांग रखा है तुमसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसी कैपिटल एम्प्लॉयड के दो अप्रोचेज होते हैं, हम यहाँ पे लाइबिलिटी अप्रोच से लगाएंगे, वो बाद की बात है। पहली बात देखिए, हमें ईबीआईटी निकालना, हमारे पास ईबीटी है, ईबीटी है और इंटरेस्ट है, तो दोनों जोड़ के ईबीआईटी नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे कि कितना इंटरेस्ट देने से पहले हमारे पास अर्निंग थी। तो यहाँ पे 5 लाख का 10% यानी 50,000 हमारा इंटरेस्ट था, 2,50,000 ईबीटी मतलब प्लस 50,000 इंटरेस्ट, तो ईबीआईटी कितना 3 लाख, क्लियर है, ईबीआईटी निकल गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड वाया लाइबिलिटीज अप्रोच, कुछ नहीं किया बच्चे, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हमने ऐड कर दिया है, हमारे पास आया 19,50,000। सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला में, 3 लाख तुमने निकाल लिया ईबीआईटी अपॉन 19,50,000, आंसर आ गया 15.38%। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, सेम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की गई मगर ये एसेट अप्रोच से है और इसमें कुछ चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझोगे। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला, क्यों इतना फॉर्मूला लिखा है मैंने, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन रीड करें, ध्यान देना। नॉन करंट एसेट है 2 लाख, 2 लाख, करंट एसेट है 1.5 लाख, 1,50,000, करंट लाइबिलिटीज है 50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, परचेजेस 6 लाख, कैरिज इनवर्ट 15,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स, कोई भी RFO CRFO नहीं लिखेगा, तुम्हारी कन्वीनियंस और समय को बचाने के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, 7 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000, टैक्सेस 7,000, कैलक्यूलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गलती से हो गया, कोई बात नहीं बेटा, सेम फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब यहाँ जरा बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ईबीआईटी का फॉर्मूला अभी लगाए हो, पर वो जो तुम लगाए हो वो तुम्हें ईबीटी दी थी, यहाँ कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ पे तुम्हें निकालना है ईबीआईटी, तो नेट प्रॉफिट होता है भाई, भाई तो नेट प्रॉफिट में ही से तो इंटरेस्ट देते हो सारा कुछ, जो शेयर होल्डर को देना है, जो टैक्सेस देना है। तो हमने नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट वाला दिमाग लगाया, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट खर्चों को घटा देते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ देते हैं तो भी तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट ही आता है,
ये फॉर्मूला मैंने लगाया, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, यहां जब मैं आई मुझे रियलाइज हो भैया हमारे पास तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, तो फिर दूसरा तीसरा फॉर्मूला लगा कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा दीजिए। फिर क्या रियलाइज हुआ, भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है हमारे पास। तब हमने फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगाया, नॉर्मल सी ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सिंपल था 11th में, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद थी। सिंपली ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड किया, परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में केवल एक चीज है, कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट में आता है जब गुड अपने फैक्ट्री में आते हैं, और माइनस कर दिया ओपनिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद ईबीआईटी निकालेंगे, और ईबीआईटी आने के बाद ये निकाल लेंगे। तो भैया कॉस्ट आ गया हमारा 5,95,000, अब ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 1,05,000 आ गया। जब ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो इनडायरेक्ट खर्चा घटा देंगे क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम कुछ नहीं है, कहीं कमीशन रिसीव्ड दिख रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड दिख रहा है नहीं, तो बस ग्रॉस प्रॉफिट में से 30,000 का ऑफिस एक्सपेंस दिख रहा था घटा दिया, नेट प्रॉफिट आ गया 75,000। चलिए भाई यहाँ पे ईबीआईटी आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें एसेट मेथड से निकालनी है। बैलेंस शीट याद करो बेटा, पूरे एसेट में से जब तुम करंट लाइबिलिटी घटा देते थे तो कैपिटल ही बचता था ना, है ना, कैपिटल में तुम्हारा, अब ये कंपनी की बात है तो कैपिटल में शेयर कैपिटल भी आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आएगा, प्रोविजन भी आएगा, वही किया मैंने। टोटल एसेट मतलब करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों को जोड़ दिए, उसमें से घटा दीजिए करंट लाइबिलिटी जो कि है 50,000 दे रखा है, 3 लाख आ गया, बस उसको फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दिए, आंसर आ गया 25%। और क्वेश्चन 106 का सोल्यूशन आपके ग्रुप पे है, जल्दी से ये कॉपी बंद करिए, और हम लोग बीएसटी का शुरू करने वाले हैं लेक्चर, मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, फटाक से।